अपॉन कोज ए, वन प्लस साइन ए अपॉन कोज ए, टेंजेंट ए प्लस सेक ए माइनस वन अपॉन टेंजेंट ए माइनस सेक ए प्लस वन इजकल टू वन प्लस साइन ए अपॉन कोज ए। टेल मी एनी वन कैन सोल्व? सर अभी कर रहे हैं। हाँ यस, प्रज्ञा नाउ योर माइक इज ऑन। यस सर। Yes, anyone can tell me how, what will be my first step to solve this? Sir, can I? Garima Sulia left the meeting. Very good, beta. वैसे भी तुम कोई ज्यादा नहीं, any boys from this? Any boys can tell what I will take the step here? Kushagra, Srivastav. Sir, we are trying. No, I want only one step. Sir, sign or cos mein change karenge. Can I tell? Sir, sign or cos mein change karna padega. अच्छा, यू आर चेंजिंग इन साइन एंड कोस। प्रगति सर, वन को सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। देखो प्रगति ने पकड़ा है भाई साहब, प्रगति ने वही ट्रिक पकड़ी है जो हमने पहले कराई थी, एक कोसे के प्लस कोटे के चक्कर में कराया था ना, एक बुक में क्वेश्चन था। यस, यहाँ पे अगर वो ट्रिक आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा आपको। क्या ट्रिक थी? सलोनी, सलोनी नहीं, इप्सिता, इस वन के प्लेस पे ऊपर इसमें सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए लिख सकते हैं अपन? नहीं लिख सकते, और यही फर्स्ट स्टेप होगा। टेंजेंट ए प्लस सेक ए, ये ब्रैकेट में रख लो, माइनस इस वन के प्लेस पे यू कैन राइट सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपको मालूम है? Yes, मालूम sir. है ना? Yes, sir. और नीचे कुछ भी चेंज नहीं करना, नीचे सेम टू सेम रखना है जो मैंने क्वेश्चन कराया था आपको, माइनस सेक ए प्लस वन, दिस वन, राइट सर? यस सर। अब क्या करूं बेटा, नेक्स्ट स्टेप? इप्सिता, इप्सिता नेक्स्ट स्टेप, विनीशा भी बंद हो गई, बोलना बंद कर दिया विनीशा ने भाई। नो सर। हाँ तो बता ना, नेक्स्ट स्टेप बताओ। सर, हम सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए में अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला आइडेंटिटी लगा दे तो। हाँ, मतलब कि क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन कर देंगे, am I right? Yes, yes, sir. और इसको इधर वाले को भी sec a plus tangent a लिख देंगे, sec a plus tangent a माइनस, और इसको हम फैक्टराइज करते हैं sec a plus tangent a इंटू sec a माइनस tangent a अपॉन, ये सेम टू सेम वी विल राइट, वी विल नॉट चेंज एनीथिंग हियर, राइट? यस यस सर। नाउ प्रगति, व्हाट वी विल डू, टेल सर। ये ब्रैकेट में वन माइनस सेक ए प्लस टेन ए आ जाएगा। क्या करूं ऊपर, न्यूमिनेटर में करना क्या है?
सर हम है ना सेक ए प्लस टेंजेंट ए को बाहर निकाल लेंगे, कॉमन हाँ कॉमन ले लेंगे, ले इधर भी लेंगे। सेक ए प्लस टेंजेंट है, इधर भी सेक ए प्लस टेंजेंट है, इसको कॉमन ले लो, ये कॉमन, और अंदर क्या बचेगा, वन माइनस, बड़ी ब्रैकेट लगा दो, सेक ए माइनस टेंजेंट ए, बड़ी ब्रैकेट बंद, और ये ऐसा कैसा लिखो, टेंजेंट ए माइनस सेक ए प्लस वन। देखो ये चीज और ये चीज क्या होगी, सेम आएगी, आप खोल के देख लो आएगी कि नहीं सेम, यस सर आ रही है। ये सेम आएगी तो क्या बचेगा, सेक ए प्लस टेन ए टेन, बड़ी आरएचएस नहीं है, इसको साइन कोज में चेंज करो आप, आरएचएस को भी चेंज कर सकते हैं। नहीं आरएचएस को क्यों चेंज करो, यही करो ना आप, वन अपॉन कोज ए प्लस साइन ए अपॉन कोज ए, कोज ए एलसीएम, वन प्लस साइन ए, और इट इज इक्वल टू व्हाट, ये जरूरी थोड़ी है कि एवरी टाइम यू टेक आर एच एस, नो, आप ट्राई टू कम टू आर एच एस, आप ट्राई करो कि वो आर एच एस में आ जाए, यस सर। कैन यू सोल्व नाउ, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस आइडेंटिटी, प्लीज नोट यस दैट सर। डाउन, मानवी मानवी, यस सर। समझ में आया, यस सर। ओके आई रिपीट दिस वन, यस सर। यस सर। ये नोट डाउन करते रहना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं जो सोल्व नहीं होती है, ये आइडेंटिटी सोल्व करके दिखाओ, वन अपॉन कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा माइनस वन अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा माइनस वन अपॉन कोसेक थीटा माइनस फोर थीटा, प्रूव दिस आइडेंटिटी, प्रूव दिस आइडेंटिटी, यस सर, मनाली कहाँ गई आज, मनाली क्या यस सर। हुआ, देखो थोड़ा ट्रिक भी लगानी पड़ती है आइडेंटिटीज में, थोड़ा ट्रिक जरूर होती है, थोड़ा ट्रिक को भी समझो, सर मैं बोलूं हाँ प्रज्ञा वेरी गुड, आज प्रज्ञा ने अपना आप बोला, यस टेल मी एलएचएस डाउट, लेकर हम वन अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस वन अपॉन साइन थीटा को इस तरह से लिख सकते हैं, इक्वल्स टू वन अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इनटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस वन अपॉन साइन थीटा। आपने एलएचएस लिया, फिर यस सर। क्या किया,
सर फिर वन अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा से, और अच्छा फिर इसको इसको दिस वन मतलब यस सर, रेशनलाइजेशन कर दिया इसका। यस सर, प्रज्ञा आप चुप रहो आप। ओके सर। एनी अदर वन? हाँ साथ में बोलो। सर RHS और LHS दोनों तरफ ही हम इसको कॉस और साइन की फॉर्म में लिख करके सॉल्व करेंगे। यस करा आपने? हो सर, करा है। गया? हो है? नो सर, सर अभी मतलब आधा ही हुआ है। तो करके देखो जरा। विनीशा कहाँ यस सर, गई? सर यहीं हूँ सर, हाँ तो बोलो ना। और नहीं आ रहा। इप्सिता सर RHS भी खोलना है। हैं? सर हाँ कुशाग्र। सर हाँ सर कोसेक कुशाग्र। थीटा को 1/sin थीटा में लिख सकते हैं, और कॉट थीटा को कॉस ए अपॉन साइन लिख सकते हैं। हाँ उससे क्या होगा? आप सोल्व करो। मेरा सॉल्व हुआ। वो तो साधना भी बोल रही है। सर अच्छा रेशनलाइजेशन कर, आशीष स्टेप पर आशीष आकर अटक आशीष गया कुछ है। बोल रहा? आशीष कुछ बोल रहा है? आशीष आशीष मिश्रा यस सर। बेटा आप कुछ भी नहीं बोलते हो, चुपचाप क्लास अटेंड करते हो हैं? तो सर रेशनलाइजेशन से ही होगा इसमें। फिर प्रज्ञा ने सबसे पहला हिंट दिया था आपको। वन आइडेंटिटी यू नो, एक आइडेंटिटी आपने किया है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, किया है ना बेटा? यस यस सर, सर किया है ना? प्रज्ञा ने सबसे पहले हिंट दिया था, इसलिए मैंने उसको बोला था चुप रहना बेटा, क्योंकि वो इसके ट्रिक को समझ गई थी। जब मैं इसको रेशनलाइजेशन करता हूं, इस पार्ट को, केवल इस पार्ट, तो मैं कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा से नीचे मल्टीप्लाई करता हूं, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा से ऊपर, तो ऊपर क्या बनेगा? कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा अपॉन वन हो जाएगा ना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा आएगा। अरे इसको जब नीचे वाले को मल्टीप्लाई करूंगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा आएगा ना। यस सर, तो वो वन ही आ जाएगा ना, मैं नहीं लिखू ना यहाँ पे वन, यस सर, और ये वन अपॉन साइन थीटा को कोसेक थीटा में चेंज करो। यू नो दिस कोसेक थीटा इज कैंसिल, इट्स आंसर इज माइनस माइनस कोट कोट थीटा। थीटा। बट सर यहाँ तक तो मेरा भी आ गया था, बट इसके नहीं आगे अब उसको, अब उसको कर लो सेम टू सेम वे में। क्या? ओ यस, आरएचएस को लोगे तो ये क्या होगा? कोसेक थीटा माइनस क्या आएगा? कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा आएगा। एम आई राइट? अगर मैं इसको रेशनलाइजेशन करता हूं तो क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, ये दोनों कट गए, ये भी माइनस कोट थीटा आ जाएगा। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। हाँ सर ये कैसे पता चलता है कि कौन से क्वेश्चन में किस टाइप की ट्रिक लगेगी? या दिस वन, इसीलिए मैं कहता हूं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज कम से कम 100 और 200 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज करिए, तब आपको पता लगेगा कि हमें कौन सी ट्रिक कहां कहां पे लगानी है। आप इसमें साइन कोज को चेंज करोगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे आगे जाके। बट आपने लगाया ये भी माइनस कोट थीटा, ये भी माइनस, बट आपको इसमें ध्यान भी रखना है कि यस व्हाट व्हाट आइडेंटिटीज वी हैव डन, हमने आइडेंटिटीज करी हुई है उनको भी ध्यान में रखना है। जैसे मेरे को मालूम है यार ये कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा है, अगर मैं इसको नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे तो वन हो जाएगा ना और माइनस ऊपर चला जाएगा,
नीचे का तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा, यहां भी डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा, और वी कैन सोल्व सिंपल। इसको क्वेश्चन को दो लाइन में भी सोल्व कर सकते हो, 30 लाइन में भी सोल्व कर सकते हो। तो कौन सा बेटर है साधना? सर ट्रिक लगा के करने वाला। वो वाला बेटर है, इसलिए मैं उन क्वेश्चंस को ले रहा हूं जहां पे ट्रिक लगती है थोड़ी। ओके, ओके सर। एवरीबडी दिस वन? यस सर। अच्छा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगा। साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। यस सर, कैसे? सर इसे भी रेशनलाइज कर सकते हैं। इसे भी रेशनलाइज करना पड़ेगा सर, नहीं, एल एच एस को रेशनलाइज करना। फिर फिर भी बताओ ना कैसे, क्या आएगा एल एच एस अगर रेशनलाइज करते हैं तो? 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। कहाँ पे, वेयर? सर एल एच एस में 1 प्लस कॉस क्वीटा अपॉन 1 प्लस कॉस क्वीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे ये आ तो जाएगा नीचे साइन वन थीटा माइनस साइन कॉस थीटा स्क्वायर अपॉन थीटा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा। एम आई राइट? यस सर। अब एक साइन कट जाएगा। ये साइन थीटा ये कैंसिल हुआ तो इसका आंसर आया 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन वन साइन अपॉन साइन थीटा थीटा इज कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। दिस यस इज इक्वल टू आर एच। ये क्वेश्चन तो आया था अभी भी, दिस क्वेश्चन वी हैव डन, एम आई राइट? यस, अच्छा इस क्वेश्चन को कोई करके दिखाइए अपनी, ये आपके एनटीएससी में भी पूछा जा सकता है। इफ कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा देन शो दैट cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 sin थीटा। यस, सर नहीं प्रज्ञा, 1 मिनट थोड़ा और भी ट्राई करें। बॉयज में से मैं पूछूंगा, बॉयज, ऑल बॉयज आर वेरी मम, ये एकदम चुपचाप रहते हैं, दे वांट दे थिंक दैट सर हमसे कभी पूछ ना ले कुछ,
वैसे तो अपने माइक बंद करके रखते हैं वो। आशीष आशीष केवल एक देता है, आंसर देता है, बट आशीष को भी जब मैं पूछता हूँ तो आंसर देता है, वैसे आंसर नहीं देता हो, वैसे वो पार्टिसिपेशन नहीं चाहता कुछ भी, जब मैं पूछता हूँ तभी वो आंसर देता है। कुशाग्र कई बार पार्टिसिपेशन करता है, कुशाग्र श्रीवास्तव पार्टिसिपेशन करता है, बट आशीष नहीं करना चाहता, क्योंकि क्यों नहीं करना चाहता आई डोंट नो, बट गर्ल्स जो है सारी गर्ल्स बहुत अच्छी हैं जो पार्टिसिपेशन करना चाहती है। गर्ल्स बहुत सारी गर्ल्स इसमें हैं, वेरी गुड गर्ल्स, आप लोग पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा करना चाहते हो, पार्टिसिपेशन होना चाहिए मैथमेटिक्स के अंदर, जब भी कोई लाइव क्लासेस चल रही है उसमें पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। पर आज मनाली जो है ना गड़बड़ कर रही, मनाली नहीं बोल रही कुछ भी आज। सर आज मेरे माइक में प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं अब सर आवाज आ रही है आपको? हैं? मेरे को आता है इस क्वेश्चन का आंसर। यस बेटा, सर इसमें स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे, ऊपर जो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा है ना, उसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे ये ऊपर वाला, इफ कॉस वाला है ना, ऊपर इफ कॉस वाला इससे क्या होगा? सर उससे है ना, मतलब वो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू वन आ जाएगी और बाकी टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू टू हाँ कॉस थीटा स्क्वायर हो जाएगा है ना, तो हाँ फिर वो टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, उधर यहाँ पे वन है तो उधर जाके माइनस वन हो जाएगा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्रॉपर्टी लगेगी, तो उससे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस चलो, मैं साइन आप स्क्वायर जो कह रहा थीटा हूँ वो करता हूँ। मनाली आई एम डूइंग व्हाट यू आर सेइंग, मनाली आई एम डूइंग व्हाट यू आर सेइंग। आप कह रहे हो सर इनका दोनों तरफ स्क्वेयर कर दीजिए, एम आई राइट? यस सर। मैंने स्क्वेयर कर दिया आपके हिसाब से, कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा प्लस टू साइन थीटा कोस थीटा, राइट सर? टू कोस स्क्वेयर थीटा ये लिख दिया मैंने, अब क्या करूं? Now what I सर इसमें फिर उसके बाद थीटा साइन स्क्वायर थीटा वन, स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू वन होती है, कॉस थीटा प्लस साइन अच्छा स्क्वायर इसकी थीटा इज वैल्यू इक्वल टू वन वन लग होता दूं, है, तो यस वन प्लस टू यस साइन सर थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा, इज टू इक्वल कॉस टू स्क्वायर थीटा, टू कोस टू स्क्वायर कॉस थीटा। स्क्वायर ओके थीटा बेटा, सर, फिर वो टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो वहीं पे रहने दो, और वो जो वन है ना उसको लेफ्ट राइट हैंड साइड ले जाओ, उधर माइनस वन हो जाएगा वो। इसको इसको यस सर, यस सर, टू साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन। हाँ बेटा, तो सर अब हमें क्या निकालना है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा निकालना है ना, तो इसका होल स्क्वायर कर दो, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे, तो फिर वो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन हो जाएगा, और माइनस टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ये वैल्यू अपन ने निकाल ली। नहीं कहाँ से करेगी, होल स्क्वेयर कहाँ करूं? नहीं सर ये इसमें लिखा है ना शो मनाली कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, सर इसमें लिखा है ना शो दैट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट टू साइन थीटा, ये तो आ हाँ गया सर, इसको इक्वेशन ले लो आप फर्स्ट, ये तो ले लो, उसके बाद ऊपर जो शो दैट लिखा है ना उसमें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट टू साइन थीटा है, तो उसमें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर कर दो, ये वाला हाँ उसका, यस सर इसको भी होल स्क्वायर करूं? हाँ बेटा, सर इसमें ना कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगेगी ना उसको, तुमने तो ऊपर वाले का भी होल स्क्वायर करा दिया, इसका भी होल स्क्वायर कह रही है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं बेटा, आपको ये शो करना है, आप LHS लेके चलो और RHS ये प्रूव कर दो इसको अप्लाई करके, बस ये काम करना है। सर हाँ सर सर, मेरा रूट टू वापस कॉस सर है वापस वहां से, से, रूट को लेके लेफ्ट हैंड साइड में रूट को लाना है और फिर वो स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा इसको रब कर दूं? नहीं सर, नहीं सर, सर एक मिनट मेरी बात सुनो सर,
नहीं करूँ अब, नहीं करूँ। नहीं सर मत करो सर, एक बार मेरी बात सुनो आप सर, भाई मेरे को तो देखो समझ में नहीं इसमें आ रहा बेटा। सर एक बार मेरी बात सुनो, देखो सर इसमें ना कॉस थीटा हाँ माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 sin थीटा हमें प्रूफ करना है, तो हमें ना ये तो आ गई देखो हमारे पास मैं टू इन साइन दोनों थीटा इंटू इन कॉस इन थीटा दोनों की को वैल्यू साथ आ गई नहीं ले इतनी। सकता मनाली, मैं इन दोनों को साथ नहीं ले सकता। आप या तो LHS बोलो। यस सर, LHS ले लो पहले आप, LHS हाँ, फिर उसका LHS उसका होल बोलो। देखो स्क्वायर कर देंगे। यस सर, LHS का इसमें पूरा मैं का थोड़ा होल सा स्क्वायर और कर चेंज कर देंगे। दूँ, इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूँ मैं, भी देखता हूँ एक बार। आपने जो बोला यहाँ, इसको 1 − sin²θ लिख दूँ, -1, और फिर इसको खोलता हूं मैं, 2 sin θ cos θ, 2 − 2 sin²θ -1। मम्मा नहीं, और इट इज इक्वल टू 1 − 2 sin²θ। 2 sin θ cos θ किसके बराबर आ गया? 1 − 2 sin²θ। यस सर, अब क्या करूं? सर फिर वो LHS है ना cos थीटा माइनस साइन थीटा उसका होल हाँ, स्क्वायर कर दो उसका होल स्क्वायर क्यों करूंगा? सर, अगर अपन उसका होल स्क्वायर करेंगे ना तो वो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा, और फिर वो −2 cos थीटा इंटू साइन थीटा होगा ना, तो उसकी वैल्यू अपन ने ये वाली निकाल रखी है 1 − 2 sin²θ, तो वो वैल्यू पुट करेंगे तो उसके बाद ये वाला प्रूफ हो जाएगा। आप कह रहे हो ये जब कोस थीटा माइनस साइन थीटा हमने लिया, इसका होल स्क्वायर कर दो सर। कोस स्क्वायर यस थीटा सर, प्लस साइन स्क्वायर थीटा −2 sin θ cos θ, और ये 1 हो गया, 1 − 2 sin θ cos θ। इसकी जो वैल्यू है ये यहाँ रख दो, 1 − 1 − 2 sin²θ, और फिर इसके बाद 1 − 1 + 2 sin²θ, ये कैंसिल आ जाएगा। आपने इसको, दिस इज इक्वल टू होल स्क्वायर ऑफ कोस थीटा माइनस साइन थीटा, आपने इसको ये किया। आप स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड, तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा कितना होगा? √2 sin θ। एम आई राइट? मनाली, यू वांट यस दिस वन? सर, आया किसी को समझ में बेटा? नो सर, नो सर, नो सर। सर इतना लंबा करने की जगह अगर हमें ना इसको 1 ना लेके कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को 1 ना लेके अगर इसको माइनस कर देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 cos 2 cos 2 sin 2 sin थीटा कॉस थीटा कर देते हैं तो वो आराम से सॉल्व हो किसको जाएगा। किसको किसको प्रज्ञा, किसको बोलो मेरे को पहले। सर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को हम साइड में ले जाके माइनस कर देते हैं इक्वल्स टू 2 2 cos थीटा sin थीटा, तो वो आराम से सॉल्व हो जाएगा। इनको उधर लेना चाहते हो आप, 1 नहीं रखना चाहते यहाँ? यस सर, तो फिर उसको हम आइडेंटिटी लगा के cos थीटा प्लस साइन थीटा और cos थीटा − sin थीटा करेंगे तो बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा, इतना लंबा नहीं होगा, शॉर्ट में हो जाएगा। वही तो मैं चाहता हूँ, ट्रिक जरा लगाइए। साधना ट्रिक की जरूरत है, मनाली ट्रिक की जरूरत है। वैसे ये भी कोई गलत नहीं है, ये भी सही है, ये लेके आई है यहाँ तक, ये भी यहाँ तक लेके आई है। बट देखो मनाली, इसको भी कर लो। इसने क्या कहा है देखो, बड़ा सिंपल सा इसने कहा है कि सर हम 1 क्यों रखें इसके प्लेस पे, वाई वी विल पुट 1। उसने कहा कोस स्क्वायर थीटा इसमें माइनस हो जाएगा, तो यहाँ है 2 sin θ cos θ, तो इधर है ही, उधर क्या बनेगा? cos² थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। एम आई राइट बेटा? यही चाहते हो ना? यस सर, अब इसका फैक्टराइजेशन करो।
सर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं सर। साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की जगह क्या लग दो? टू कॉस थीटा, रूट टू कॉस थीटा। देख मनाली कितना सिंपल बन गया। यस सर, रूट टू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये इधर जाएगा ना, ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये रूट टू साइन थीटा हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा? कॉस थीटा माइनस ये बराबर। यस साधना सर, सर ये वाला फिर से शुरू से समझा दीजिए सर प्लीज। ये तो बताया, यस सर शुरू से समझा दीजिए इसको कैसे सॉल्व किया। शुरू से कहां से समझाऊं, शुरू से शुरू ही है सर। ये सर सो दैट वाली लाइन के नीचे जो लिखा है वहां से, सर सो दैट वाली लाइन के नीचे जो लिखा है। देखो 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 व्हाट आई हैव डन। देखो सबसे पहले वही चीज करी जो चीज गिवन है उसका स्क्वायर कर दिया होल स्क्वायर, है ना, ये इसका होल स्क्वायर कर दिया, कर दिया ना बेटा, यहां तक तो समझ में आया ना बेटा, होल स्क्वायर किया। यस सर। फिर क्या किया, इसको वन नहीं रखा है, ये सब चीजें उधर ले गए। कोस स्क्वायर थीटा टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा, और इस साइन स्क्वायर थीटा को भी इधर ले गए माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये समझ में आ गया साधना? नो सर। अरे कोस स्क्वायर थीटा को उधर ले गए ना? यस सर। तो टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा। यस सर। माइनस साइन, इसको फैक्टराइज कर दिया। कर दिया ना? यस सर। बस और कुछ नहीं किया, कोस थीटा प्लस साइन थीटा की जगह क्या लिख दिया, रूट टू कोस थीटा। ये गिवन है ना? यस सर। आ जाएगा अपने आप, आ जाएगा। ओके सर। देखो मेरा ये मतलब नहीं है, मैथमेटिक्स की जो आइडेंटिटीज है उसमें थोड़ा ट्रिक्स का और थोड़ा दिमाग का बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। इसमें मैं एक स्पेशल एक्सरसाइज आपको दूंगा, आरडी शर्मा में से, टुमारो आई विल टेल टू यू पीपल एंड यू हाउ टू डन वट एवर आइडेंटिटीज आर गिवन इन दैट एक्सरसाइज, यू हाउ टू डू दीज एक्सरसाइज। एवरी स्टूडेंट हैव टू डू दीज एक्सरसाइज और उससे आइडेंटिटीज, अब आप 100-150 आइडेंटिटीज कर लेंगे ना बेटा अपने आप, तो देखना आपको अपने आप ही आइडेंटिटीज सोल्व करने की वो आ जाएगा आपको, थोड़ा सिंपल लगेगी आपको आइडेंटिटी सोल्व कर। यू आर टेकिंग माई पॉइंट? यस सर। तो ये मेरा था बेटा आज का, प्लीज इसीलिए मैंने ये फिजिक्स की जगह आइडेंटिटीज लिया आपका,